हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के। एक्सेस क्यों? क्योंकि एक्सेस में आज हम समझने वाले हैं फॉरेन की के बारे में। आइए समझते हैं फॉरेन की क्या होती है। तो सबसे पहले तो एक्सेस नाम का जो सॉफ्टवेयर है, जो आपके लिए काफी हो सकता है कि अनजाना हो, उसको आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। आज हम सीखेंगे एक्सेस में फॉरेन की, ठीक है। अब ये कोई विदेशी की नहीं है, फॉरेन जैसा नाम है उससे काफी अलग हट करके है। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये एक्सेस ओपन किया है, ठीक है। अब ये ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा, देखिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे टाइप कीजिएगा एक्सेस। जैसे ही टाइप कीजिएगा तो अगर आपके पास 2007 है तो 2007 भी ओपन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का सिनेरियो आएगा, यहाँ पर दिया गया है ब्लैंक डेटाबेस। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक नया डेटाबेस का नाम। आप चाहे तो ये नाम चेंज कर सकते हैं, इसकी एक्सटेंशन देख सकते हैं .accdb, और यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से जाएंगे व्यू पर और यहाँ से डिजाइन पर जाएंगे, ठीक है। और ये टेबल वन ही नाम रहने देते हैं। तो यहाँ देखिए आईडी आ रहा है। अब ये फॉरेन की क्या है, देखिए जो की डुप्लीकेट होगी, जो की डुप्लीकेट होगी यानी जो वैल्यू डुप्लीकेट आएगी जिस फील्ड के अंतर्गत, वो जो है फॉरेन की होगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर टाइप करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ रोल नंबर टाइप करता हूँ और इसे ऑटो नंबर रखा है, यहाँ से आप डेटा टाइप चूज कर सकते हो। तो ये ऑटो नंबर रखा है हमने, और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम अंडरस्कोर लगा के लिखता हूँ ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया। आप जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा टेक्स्ट, तो इसको यहाँ से ही करके ओके करते हैं। अब देखिए किसमें डुप्लीकेट वैल्यू आएगी, जरा देखिएगा, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू जिसमें आप लिख सकते हो वही आपकी हो जाएगी फॉरेन की, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये तो ऑटो नंबर ये है, तो ये तो नंबर खुद से आएगा। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक नाम, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अजय सिंह, तो ये लिखा अजय सिंह। अब अजय सिंह लिखता हूँ तो यहाँ पर नंबर अपने आप आ रहा है क्योंकि ऑटो नंबर दिया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखता हूँ रन विजय, ये लिख दिया। अब देखिए ये दो नाम अलग अलग हैं, लेकिन क्या हम अजय सिंह को दोबारा रिपीट कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए अजय सिंह SINGH, अजय सिंह को दोबारा रिपीट कर पा रहे हैं और आगे भी हमें लिखने के लिए जगह मतलब अलाउ कर रहा है एक्सेस की, आप लिख सकते हैं नाम। तो यहाँ पर अगर मैं फिर अजय सिंह डाल दूं तो यहाँ पे बार बार आप डुप्लीकेशन कर सकते हो। अजय सिंह जो नाम है वो डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन इनकेस रोल नंबर ये डुप्लीकेट नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि डेटा टाइप चेंज कर दीजिए तब शायद डुप्लीकेट हो जाए। तो यहाँ से अगर आप डेटा टाइप भी चेंज करते हैं, जैसे डिजाइन व्यू पे लेकर ये ऑटो नंबर रखा था तो ये खुद से नंबर आ रहा है, तो यहाँ से जाकर के अगर आप डेटा टाइप भी चेंज कर देते हैं, जैसे नंबर कर देते हैं, तो भी देखिएगा यहाँ पर आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। अगर यहाँ पे 4 करेंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अजय सिंह लिख देंगे फिर दोबारा से, कई बार लिख चुका हूँ, तो यहाँ पर ये अलाउड है। लेकिन ये जो है ना, ये जो 4 आपने टाइप किया, देखिए इसमें लिखा भी होता चेंजेस यू आर रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स प्राइमरी की और रिलेशनशिप। तो जब भी आप बात करेंगे ना, तो यहाँ पर आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं एंटर कर सकते, तो आपको यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू हटानी ही होगी, दूसरा कोई इलाज इसका नहीं है। तो यहाँ से आप डुप्लीकेट वैल्यू हटा लीजिए, फिर आप एंटर कर पाएंगे डेटा। हाँ, अदर नाम जो है आप दोबारा से एंटर कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है रन दीजिए, तो इसको भी आप दोबारा से एंटर कर सकते हैं। यही तो फॉरेन की होती है, ठीक है। और बाकी ये तो प्राइमरी की हो जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है फॉरेन की में और प्राइमरी की में। आई होप कि आपको समझ में आ गया।